हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आई आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। भाई लोग, आपको तो पता ही है, मैंने कुछ दिनों पहले 7 तारीख को एक्सूट के अंदर क्रेट ओपनिंग की थी, जिसमें मुझे एक्सूट और मिथिक बैकपैक दो बार मिला था। अगर आपने ये वाली वीडियो हमारे चैनल पर नहीं देखी है तो आप लोग देख सकते हैं। भाई लोग, आज मैं एक्सूट के अंदर फिर से क्रेट ओपनिंग करने वाला हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री में। आपको तो पता ही है, मैं हमेशा गेम के अंदर कम यूसी में क्रेट ओपनिंग करता हूँ। भाई लोग, आज मैंने प्राइम प्लस को फिर से परचेस कर लिया है और मैं इस वीडियो के अंदर बहुत सी ट्रिक का भी यूज करने वाला हूँ। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग इस वीडियो को लाइक और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। भाई लोग, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे MG3 को लगा लिया है, क्योंकि मेरा एक्सूट तो पहले ही निकल चुका है। आज मैं इसके अंदर से MG3 को निकालने की कोशिश करने वाला हूँ। भाई लोग, आपको इस वीडियो का Part 3 भी देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं मात्र 2000 UC के अंदर न्यू एक्सूट के अंदर लकबार को 300% करने वाला हूँ। भाई लोग, मुझे इस बार अपने पोसाइडन एक्सूट को भी Level 3 करना है, इसलिए आपको इसका Part 3 भी देखने को मिलेगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि मैं कैसे इसके अंदर बिल्कुल फ्री में क्रेट ओपनिंग करने वाला हूँ। आप लोग देख सकते हैं, मेरे पास बोनस चैलेंज के 6000 पॉइंट हैं, जिसकी मदद से मैं यहाँ पे 600 UC को रिडीम करने वाला हूँ। भाई लोग, मैंने यहाँ पे सबसे पहले 5000 पॉइंट में 500 UC को रिडीम कर लिया है। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं, मेरे पास थोड़े पॉइंट कम है, तो मैं यहाँ पे एक मैच को खेलकर फिर से अपने पॉइंट को कंप्लीट कर लेता हूँ। इसके बाद भाई लोग, मैंने यहाँ पे फिर से 100 UC को रिडीम कर लिया है। आप लोग देख सकते हैं, मैंने इसके अंदर से बिल्कुल फ्री में 600 UC को रिडीम किया है। भाई लोग, अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो आपको तो पता ही होगा कि मेरे पास बोनस चैलेंज के 50 कार्ड थे। मैंने उन्हीं 50 कार्ड की मदद से यहाँ पे 600 UC को बिल्कुल फ्री में लिया है। भाई लोग, मैंने अब तक रॉयल पास को भी परचेस नहीं किया था, तो मैं यहाँ पे रॉयल पास को भी परचेस कर लेता हूँ। हमें इसके अंदर 2 50 UC के वाउचर मिलने वाले हैं। मैंने यहाँ पे 50 RP तक का रॉयल पास पिछली बार परचेस किया था, और मैं यहाँ पे 50 RP का रॉयल पास फिर से परचेस कर लेता हूँ। आप लोग देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे 360 UC में रॉयल पास को परचेस कर लिया है। भाई लोग, मेरी 100 RP कंप्लीट हो चुकी थी, तो मुझे यहाँ पे 100 RP तक के रिवॉर्ड भी मिल जाते हैं। भाई लोग, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि आपकी BGMI के अंदर अब तक कितनी RP कंप्लीट हो चुकी है। आप लोग देख सकते हैं, मेरी इसके अंदर 100 RP कंप्लीट हो चुकी है, और मुझे यहाँ पे 100 RP का घटिया मिथिक सेट भी मिल चुका है। तो चलिए भाई लोग, ये तो हो गया हमारा रॉयल पास परचेस। चलिए अब मैं आपको अपने वाउचर भी दिखा देता हूँ। आप लोग देख सकते हैं, मेरे पास 20 50 UC के वाउचर और 13 30 UC के वाउचर हो चुके हैं। भाई लोग, मैं इस वीडियो के अंदर 10 और 20 UC वाउचर का यूज नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि हमें उसमें कोई भी ज्यादा फायदा नहीं होता है। तो मैं तो इसके अंदर मात्र 50 UC और 30 UC के वाउचर का यूज करने वाला हूँ। भाई लोग, अगर आपके पास डील वाउचर है तो आप डील वाउचर की मदद से भी 50 UC के वाउचर को ले सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे 5 डील वाउचर है, तो मैं यहाँ पे एक वाउचर को रिडीम कर लेता हूँ। अबे तेरी क्या हो गया भाई? भाई लोग, आप देख सकते हैं, बातों बातों में मैंने यहाँ पे 4 डील वाउचर में एक मिथिक एम्बलम फ्रेगमेंट को रिडीम कर लिया है। भाई लोग, मैं आपको बता रहा था, और मैंने यहाँ पे खुद घटिया आइटम को रिडीम कर लिया है। तो चलो छोड़ो, मेरा यहाँ पे 50 UC का नुकसान हो चुका है। भाई लोग, अब मेरे पास मात्र 33 वाउचर है, तो मैं इस वीडियो के अंदर 33 क्रेट को ही ओपन करने वाला हूँ। आप लोग देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे 1st क्रेट को 10 UC में ओपन कर दिया है। आपको तो पता ही है, मैं हमेशा 10 और 30 UC में ही एक्सूट के अंदर क्रेट ओपनिंग करता हूँ। उससे ज़्यादा मैं इसके अंदर बिल्कुल भी यूसी स्पेंड नहीं करता हूँ। भाई लोग, मेरी इसके अंदर 101% लकबार भी हो चुकी है। तो हम आज देखते हैं कि हमारा इसके अंदर लकबार कितने परसेंट तक जाता है। भाई लोग, मैं यहाँ पे शुरुआत में ही अपनी सारा प्यारी को लेकर आ चुका हूँ, क्योंकि आपको तो पता ही है, सारा का जलवा मतलब क्या बताऊं भाई लोग, सारा तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा लकी है। आप लोग देख सकते हैं, मुझे इस क्रेट के अंदर एक मिनी मटेरियल मिल चुका है। भाई लोग, मुझे इसके अंदर से MG3 की स्किन भी चाहिए, क्योंकि जब हमें MG3 की स्किन मिल जाती है तो न्यू एक्सूट का एक पोज अनलॉक हो जाता है। इसीलिए भाई लोग, मैं इसके अंदर से MG3 की स्किन को भी निकालने की कोशिश करने वाला हूँ। आप लोग देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे फिर से एक क्रेट को ओपन कर दिया है, और हमें इसके अंदर कोई कचरा ही मिलेगा। देख सकते हैं भाई लोग, हमें इसके अंदर पेंट मिल चुका है। सच में भाई लोग, BGMI वालों ने अब तक मुझे कभी भी एक्सूट के अंदर से कोई भी अपग्रेडेबल गन नहीं दी है। मुझे इसके अंदर से इसके इसको पेंट और लौड़ा लेसन मिलता रहता है। अगर आपने एक्सूट के अंदर क्रेट ओपनिंग की है
और आपको इसके अंदर से MG3 की स्किन मिली है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता देना। भाई लोग आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 2-3 क्रेट को ओपन कर दिया और मुझे कोई भी आइटम नहीं मिला है, तो मैं यहाँ पे अपने कंपेनियन को हटा देता हूँ और मैं यहाँ पे विक्टर दादा को यूज करके देख लेता हूँ, क्योंकि भाई लोग कभी कभी हमारे इन बुढ़ऊ की शक्तियाँ काम कर जाती हैं जिससे हमें अच्छे रिवॉर्ड मिल जाते हैं। वैसे तो भाई लोग मुझे अब तक कभी भी विक्टर दादा ने कोई भी ढंग का आइटम नहीं दिया है, लेकिन मैं यहाँ पे फिर भी इन्हें कुछ टाइम के लिए यूज करके देख लेता हूँ। भाई लोग आपको क्रेट ओपनिंग के टाइम हमेशा टिप्स एंड ट्रिक्स का यूज करते रहना चाहिए, क्योंकि आपके इससे आइटम निकलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे विक्टर दादा को यूज कर लिया है और मैं यहाँ पे 10 UC में फिर से क्रेट को ओपन कर देता हूँ। भाई लोग मुझे सच में विक्टर दादा पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके लिए कौन सा करेक्टर सबसे ज़्यादा लकी है। मैं YouTube पे देखता हूँ बहुत से बंदों के लिए विक्टर दादा बहुत ज़्यादा लकी हैं, लेकिन भाई लोग विक्टर दादा मेरे लिए बहुत ज़्यादा पनौती हैं, क्योंकि वो मुझे कोई भी आइटम नहीं दिलाते हैं। अगर आप लोगों ने मेरी पिछली एक्सूट वाली वीडियो देखी है तो मुझे उसके अंदर भी विक्टर दादा ने कोई आइटम नहीं दिलाया था, मुझे उसके अंदर मात्र सारा ने एक्सूट और मिथिक बैकपैक दिलाया था। भाई लोग मैं यहाँ पे विक्टर दादा को थोड़ा यूज करके देख लेता हूँ, उसके बाद मैं फिर से अपनी सारा को ही लेकर आने वाला हूँ। आप लोग देख सकते हैं मुझे यहाँ पे अब तक कोई भी आइटम नहीं मिल रहा था, तो मैं यहाँ पे अपने गेम को रिस्टार्ट कर लेता हूँ, क्योंकि भाई लोग गेम रिस्टार्ट करने से हम लोगों का लक बार रिसेट हो जाता है। आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे फिर से गेम को लॉग इन कर लिया है, तो चलिए मैं आपको फिर से एक सूट वाली क्रेट के अंदर ले चलता हूँ और मैं यहाँ पे डायरेक्टली 10 UC में एक क्रेट को ओपन कर देता हूँ, क्योंकि भाई लोग जब आप लोग गेम को रिस्टार्ट करते हैं तो आपको डायरेक्ट एक क्रेट को ओपन कर देना चाहिए, आपको ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको उससे अच्छे आइटम मिल जाते हैं। मुझे तो इसके अंदर पेंट मिला है, लेकिन भाई लोग आपको अच्छे आइटम मिल सकते हैं, क्योंकि सबका लक हमेशा एक जैसा नहीं होता है। आप लोगों ने देखा मैंने इसके अंदर 4, 5, 6, 7, 8, 9 जो भी क्रेट ओपन किए मुझे उसके अंदर कोई भी ढंग का रिवॉर्ड नहीं मिला है। तो चलिए मैं यहाँ पे फिर से एक क्रेट को ओपन कर देता हूँ और हम देखते हैं हमें इसके अंदर भाई लोग मिनी मटेरियल मिला है। सच में भाई लोग एक्सूट वाली क्रेट के अंदर से मुझे बहुत ज़्यादा मिनी मटेरियल मिल रहे हैं। मुझे इसके अंदर से गन नहीं मिल रही है, लेकिन गेम वाले मुझे इसके अंदर से मिनी मटेरियल और पेंट चिपकाए जा रहे हैं। तो चलिए भाई लोग मैं यहाँ पे फिर से एक क्रेट को ओपन कर देता हूँ और हम देखते हैं हमें इसके अंदर क्या मिलता है। आप लोग देख सकते हैं भाई लोग मुझे इसके अंदर फिर से पेंट मिला है। सच में भाई लोग BGMI वाले हम लोगों को क्रेट ओपनिंग में ढंग के आइटम इतनी आसानी से नहीं देते हैं। अगर आप सोचते हैं कि हमें 10-20 UC के अंदर कोई भी ढंग का आइटम निकल जाएगा, तो भाई लोग आप बहुत ज़्यादा गलत हैं। जब तक आप लोग BGMI वालों के पिछवाड़े में लंबी UC नहीं डालते हैं, तब तक वो आपको इसके अंदर कोई भी ढंग का आइटम नहीं देते हैं। भाई लोग मैंने यहाँ पे MG3 को हटा दिया है, क्योंकि BGMI वालों को पता चल चुका है कि मुझे इसके अंदर से MG3 चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे MG3 को हटा दिया। साथ में मैंने अपने इन बुढ़ऊ दादा को भी हटा दिया है। भाई लोग मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा था कि विक्टर दादा मेरे लिए बहुत ज़्यादा पनौती हैं। आप लोगों ने देखा मैंने यहाँ पे फिर से सारा करेक्टर को यूज कर लिया है और अब आप लोग सारा का जलवा देखना। भाई लोग जब कभी भी मैं सारा को दोबारा से यूज करता हूँ तो वो मुझे बहुत अच्छे अच्छे आइटम दिलाती है। आप लोग देख सकते हैं भाई लोग मैं यहाँ पे सारा को लेकर आ चुका हूँ और मैं यहाँ पे थोड़ा टैप टैप करके एक क्रेट को ओपन करने वाला हूँ, क्योंकि भाई लोग जब कभी भी आप करेक्टर को चेंज करते हैं तो आपको हमेशा थोड़ा टैप टैप कर लेना चाहिए, क्योंकि आपको उससे बहुत ज़्यादा अच्छे आइटम मिल जाते हैं। भाई लोग सच कह रहा हूँ, मैंने यहाँ पे सारा को यूज किया है और अब आप लोग सारा का जलवा देखिए। मैंने यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्रेट को ही ओपन किया और मुझे इसके अंदर से कोई ढंग का आइटम मिलने वाला है। आप लोग देख सकते हैं भाई लोग मुझे इसके अंदर से मिथिक ग्लाइडर मिल चुका है। भाई लोग आप देख सकते हैं मैंने जैसे ही सारा को यूज किया तो मुझे पहली ही क्रेट के अंदर मिथिक ग्लाइडर मिला है और मुझे अब तक इतनी क्रेटों के अंदर एक घटिया सा लेजेंडरी आइटम भी नहीं मिला था। भाई लोग सच में मेरे लिए सारा बहुत ज़्यादा लकी है। तो चलिए मैं यहाँ पे फिर से थोड़ा टैप टैप कर लेता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे फिर से एक क्रेट को ओपन करने वाला हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पे फिर से 10 UC में एक क्रेट को ओपन कर देता हूँ और आप लोग देख सकते हैं भाई लोग मुझे इसके अंदर भी ढंग का आइटम मिलने वाला है, क्योंकि इसके अंदर भी लाइटनिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा देर तक हुआ है। भाई लोग आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पे एक मिथिक हेडगियर मिल चुका है। चलो ठीक है, मेरे पास इसका मिथिक सेट पहले से ही था, मुझे इसका हेडगियर भी मिल गया, तो मेरा ये वाला सेट कंप्लीट हो चुका है। भाई लोग आप लोगों ने देखा मैंने जैसे ही सारा करेक्टर को यूज किया तो मुझे 2 क्रेटों के अंदर 2 मिथिक आइटम मिल चुके हैं। भाई लोग सच में मेरे लिए सारा बहुत ज़्यादा लकी है। आप लोग हमें एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपके लिए कौन सा करेक्टर सबसे ज़्यादा लकी है।
भाई लोग आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे फिर से एक क्रेट को ओपन कर दिया है और मुझे इसके अंदर अब कचरा मिलेगा। चलो ठीक है भाई लोग, हमें इसके अंदर से दोबारा से नेट की स्किन मिल चुकी है। भाई लोग पता नहीं क्यों इस वाली एक सूट की क्रेट के अंदर मेरा एक भी बार 10x नहीं लगा है। पता नहीं बीजे वालों ने इसके अंदर 10x वाले फीचर को ढंग से डाला है या नहीं। मैं इसके अंदर इतनी बार क्रेट ओपनिंग कर चुका हूँ लेकिन मेरा इसके अंदर कोई भी 10x नहीं लगा। अगर आपका 10x लगा हो तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता देना। भाई लोग आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे फिर से एक क्रेट को ओपन किया तो मुझे इसके अंदर 2 कॉइन मिल चुके हैं। भाई लोग ऐसा होता है जब आप लोग क्रेट ओपनिंग करते हैं तो आपको कभी कभी ऐसे घटिया आइटम भी मिल जाते हैं, क्योंकि गेम वाले हम लोगों को ये आइटम देते ही इसलिए ताकि वो हम लोगों को ये वाले आइटम चिपका सकें। तो चलिए मैं यहाँ पे एक क्रेट को फिर से ओपन कर देता हूँ, वो भी 10 UC में। भाई लोग मैं इसके अंदर सच में 60 UC वाली क्रेट को एक भी बार ओपन नहीं करने वाला हूँ। आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे फिर से एक क्रेट को ओपन किया तो मुझे इसके अंदर 2 गोल्ड वाले स्टोन मिल चुके हैं। भाइयों अगर आपको इसके अंदर से स्टोन मिलते हैं तो आपके लिए ये वाले स्टोन बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं। आप लोग इसकी मदद से अपने एक सूट को अपग्रेड कर सकते हैं। भाई लोग आप देख सकते हैं मुझे अब तक इसके अंदर से ना तो कोई 10x लगा है और ना मेरी इसके अंदर से अब तक MG3 की स्किन निकली है। आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक और क्रेट को ओपन किया तो मुझे इसके अंदर भी पेंट मिला है। सच में भाई लोग मुझे एक सूट वाली क्रेट के अंदर और मम्मी सेट वाली क्रेट के अंदर मुझे बहुत ज़्यादा पेंट मिले थे। मैंने मम्मी सेट के अंदर M4 के लिए क्रेट ओपनिंग की थी तो मुझे उसके अंदर से M4 की स्किन नहीं मिली लेकिन मुझे इसके अंदर से बहुत ज़्यादा पेंट मिले थे। भाई लोग मैंने सच में मम्मी वाली M4 के अंदर लगभग 80 क्रेट को ओपन किया था। मुझे उसके अंदर से 80 क्रेट में ना कोई मम्मी सेट मिला और ना मुझे कोई M4 की स्किन मिली। और आप लोग देख सकते हैं मेरा एक्सूट वाली क्रेट के अंदर भी यही हाल है। मुझे इसके अंदर से MG3 तो नहीं मिल रही है लेकिन मुझे इसके अंदर से पेंट पे पेंट मिले जा रहे हैं। भाई लोग आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पे 2x भी मिल चुका है लेकिन मुझे अब तक गन स्किन नहीं मिली है। सच में भाई लोग पता नहीं बीजेपी वाले मुझ पर कब मेहरबान होंगे। मुझे अब तक गेम के अंदर से क्रेट ओपनिंग में मात्र एक अपग्रेडेबल AKM की स्किन मिली है, उसके अलावा मुझे क्रेट ओपनिंग में अब तक कोई भी गन नहीं मिली है। मैंने M4 के अंदर इतनी ज़्यादा क्रेट ओपनिंग की ना मुझे M4 की स्किन मिली। आप लोग देख सकते हैं मैं यहाँ पे MG3 के लिए क्रेट ओपनिंग कर रहा हूँ और मुझे यहाँ पे MG3 भी नहीं मिल रही है। भाई लोग जब पिछली बार हमारे गेम के अंदर इग्निस एक्सूट आया तो मुझे उस टाइम भी कोई गन नहीं मिली और ना मुझे फ्योरे एक्सूट के टाइम पर कोई गन मिली थी। मैंने सभी एक्सूट के अंदर अपने लक बार को 300% किया था लेकिन भाई लोग मुझे अब तक तीनों एक्सूट में से किसी भी एक्सूट के अंदर से गन नहीं मिली है। भाई लोग यहाँ पे हमारी सारा प्यारी थोड़ी थक चुकी थी तो मैंने यहाँ पे कार्लो दादा को बुला लिया है। आपको तो पता ही हमारे कार्लो दादा भी कभी कभी थोड़ा बहुत काम आ जाते हैं। भाई लोग वैसे तो ये निठल्ले हैं लेकिन कभी कभी आपको इनका भी यूज कर लेना चाहिए क्योंकि ये भी कभी कभी हमें थोड़े बहुत अच्छे आइटम दिला देते हैं। आपने देखा मैंने यहाँ पे कार्लो दादा को यूज किया तो मुझे इन्होंने 2 मटेरियल दिला दिए हैं। तो चलो ठीक है भाई लोग हम यहाँ पे थोड़ा टैप टैप कर लेते हैं। भाई लोग आपको हमेशा टैप टैप करते रहना चाहिए क्योंकि टैप टैप से आपकी कभी ना कभी लक बार चेंज हो जाती है और आपको उससे अच्छे आइटम मिल जाते हैं। आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 2nd क्रेट को ओपन कर दिया है और हमें इसके अंदर कचरा मिलने वाला है क्योंकि भाई लोग मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा था कि कार्लो दादा हमारे थोड़े निठल्ले हैं, ये आपको कभी भी इतने आइटम बड़ी आसानी से नहीं दिलाते हैं। इसलिए मैं यहाँ पे भाई लोग फिर से करेक्टर को चेंज कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे कार्लो दादा के भी दादा एंडी दादा को लेकर आ चुका हूँ। भाई लोग कभी कभी इनका भी यूज कर लेना चाहिए क्योंकि आपको तो पता ही है जब फैमिली में इतने लोग हो तो आपको सबके साथ थोड़ा थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए, इसीलिए भाई लोग मैं यहाँ पे एंडी दादा को लेकर आया हूँ। तो चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं हमारे लिए एंडी दादा थोड़े यूजफुल है या नहीं। और मैं एंडी दादा का नाम लेकर भी यहाँ पे एक क्रेट को 10 UC में ओपन कर देता हूँ। भाई लोग मैं एंडी दादा को बहुत कम यूज करता हूँ क्योंकि ये विक्टर दादा से और कार्लो दादा से भी बहुत ज़्यादा निठल्ले हैं। आप लोग देख सकते हैं मैंने इनका यूज किया तो मुझे इन्होंने मात्र 2 कॉइन दिलाए हैं। सच में भाई लोग एंडी दादा तो बहुत ज़्यादा बेकार हैं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ और मैं यहाँ पे अपनी फिर से सारा प्यारी को ही लेकर आने वाला हूँ क्योंकि भाई लोग सच में सारे करेक्टर एक तरफ और हमारी सारा प्यारी एक तरफ। भाई लोग मैं यहाँ पे सारा प्यारी को थोड़ा हल्का कर देता हूँ क्योंकि आपको तो बताइए हमारी सारा प्यारी के कंधों पर बहुत ज्यादा बोझ है। इनके बड़े बुढ़ऊ दादा एंडी दादा और कार्लो दादा तो बहुत ज्यादा निठल्ले हैं इसलिए हमेशा इनके ही कंधों पर बहुत ज्यादा बोझ आ जाता है। भाई लोग कंधों पर बोझ आता है, आप लोग कुछ गलत मत समझना। आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे फिर से एक क्रेट को ओपन किया तो मुझे यहाँ पर भी पेंट मिला है। भाई लोग अभी हमारी सारा थोड़ी थकी हुई है इसलिए मैं यहाँ पे गेम को फिर से रीस्टार्ट कर लेता हूँ
क्योंकि भाई लोग जब मैंने पिछली बार गेम को रिस्टार्ट किया था तो इसमें थोड़ा एनर्जी बूस्ट हो गया था और मैंने यहाँ पे फिर से अपने गेम को रिस्टार्ट कर लिया है। अब यहाँ पे हमारी सारा थोड़ी फ्रेश हो चुकी है, तो चलिए मैं यहाँ पे फिर से क्रेट ओपनिंग को स्टार्ट कर देता हूँ। तो चलिए अब मैं इसके अंदर फिर से एक क्रेट को ओपन कर देता हूँ, वो भी डायरेक्टली। भाई लोग अब मेरे इसके अंदर 30 यूसी स्पेंड होने लगी हैं क्योंकि मेरे 50 यूसी के सभी वाउचर खत्म हो चुके हैं। भाई लोग आपने देखा मैंने यहाँ पे फिर से एक क्रेट को ओपन किया तो मुझे यहाँ पे 2 कॉइन मिले हैं। सच में भाई लोग ये वाली एक्सूट की रेट इतनी ज्यादा बेकार है, ना तो इसके अंदर कोई भी 10x लग रहा है और ना मुझे इसके अंदर कोई ज्यादा कॉइन मिल रही हैं। भाई लोग मैं इसके अंदर अब तक 75 क्रेट को ओपन कर चुका हूँ लेकिन मुझे इसके अंदर से अब तक 200 कॉइन नहीं मिले हैं। आप लोग देख सकते हैं मुझे इसके अंदर से मात्र 125 कॉइन मिले हैं। भाई लोग मैंने यहाँ पे 67 क्रेट को ओपन कर दिया और मैंने 12 क्रेटों को MG3 के अंदर ओपन किया है लेकिन मुझे इसके अंदर से सच में इतने कम कॉइन मिले हैं कि मैं इससे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो चुका हूँ। भाई लोग मैं इस बार अपने पोसाइडन को अपग्रेड करना चाहता हूँ लेकिन गेम वाले मुझे यहाँ पे कुछ भी कॉइन नहीं दे रहे हैं। मुझे इसके अंदर क्रेट ओपनिंग में मात्र पेंट और 2 कॉइन मिले जा रहे हैं। आप लोगों ने देखा मेरा अब तक इसके अंदर से कोई भी 10x नहीं लगा। भाई लोग मैं यहाँ पे थोड़ा टैप टैप कर लेता हूँ क्योंकि अब मेरे पास बहुत कम क्रेटें बची हैं। इसका Part 3 भी आने वाला है क्योंकि मैं हमेशा कम यूसी में ही क्रेट ओपनिंग करता हूँ। अगर आप लोग भी एक सूट को निकालना चाहते हैं कम यूसी में तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि भाई लोग जब भी BGMI के अंदर कोई एक सूट आने वाला होता है तो मैं आपको इस ट्रिक के बारे में बता देता हूँ। मैंने इस ट्रिक का अब तक 3 बार यूज किया और आप लोगों ने अगर हमारी पिछली वीडियो देखी है तो आपको तो पता ही होगा मैं हमेशा कम यूसी में ही इन आइटम को निकालता हूँ। भाई लोग मैं यहाँ पे थोड़ा क्रेटों को ओपन कर देता हूँ, अगर मुझे इसके अंदर से कुछ मिल जाता है तो ठीक है, वरना भाई लोग सच में क्या कहूँ, मुझे इसके अंदर अब तक ग्लाइडर और मिथिक हेडगियर के अलावा कोई भी आइटम नहीं मिला है। आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे फिर से एक क्रेट को ओपन कर दिया है। भाई लोग सच में इसके अंदर कोई आइटम निकलेगा और आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पे घटिया हेलमेट की स्किन मिल चुकी है। सच में भाई लोग जब आप गेम के अंदर गेम की बुराई करते हैं तो आपको अच्छे आइटम मिलते हैं। अगर आप लोग गेम को अच्छा कहते रहेंगे तो आपको गेम वाले कोई भी आइटम नहीं देंगे। जब आप लोग इन BGMI वालों के पिछवाड़े में बड़ी यूसी डालेंगे तभी ये लोग आपको इसके अंदर से अच्छे अच्छे आइटम देते हैं। आप लोगों ने देखा मैंने यहाँ पे गेम के बारे में थोड़ा कहा तो मुझे यहाँ पे एक हेलमेट की स्किन मिल चुकी है। सच में भाई लोग जब आप लोग सोचते हैं कि अब मैं इसके अंदर क्रेट ओपनिंग बंद कर देता हूँ तभी आपको इसके अंदर कोई ना कोई ढंग का आइटम मिल जाता है और आप इसके अंदर अगर लगातार क्रेट ओपनिंग करते रहते हैं तो आपको इसमें कोई भी आइटम नहीं मिलता है। भाई लोग आप लोग एक बार इस ट्रिक का जरूर यूज करना। आप लोग जब भी क्रेट ओपनिंग करें तो आप लोग ये बोल देना कि अब मैं इसके अंदर बिल्कुल भी क्रेट ओपनिंग नहीं करूँगा। उसके बाद भाई लोग आप मात्र 10 क्रेटों को ओपन करना, आपका उसके अंदर कोई ना कोई ढंग का आइटम जरूर निकलेगा। क्योंकि भाई लोग आपको तो पता ही है ये वाला हमारा, मतलब क्या कहूँ, आजकल ये वाला हमारा जो गेम हो गया और हमारा डिवाइस हो गया बहुत ज़्यादा एडवांस है, ये हम लोगों की बातों को सुनता है। भाई लोग आप लोग एक चीज़ का ध्यान रखिए, जब आप कभी भी अपने मन में किसी भी चीज़ को सोचते हैं या आप मोबाइल चलाते वक्त किसी भी चीज़ के बारे में बात करते हैं तो वो चीज़ आपको आपके मोबाइल के अंदर ज़रूर दिख जाती है। भाई लोग जब कभी भी आप यूट्यूब को चलाओ और आप किसी भी चीज़ के बारे में सोचना या आप किसी भी चीज़ के बारे में बात करना तो वो चीज़ आपको स्क्रॉल करते हुए 100% दिख जाएगी। पता नहीं भाई लोग कैसे ये मेरे साथ तो हमेशा होता है, अगर आपके साथ कभी भी हुआ हो तो आप लोग हमें एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। भाई लोग मैं जब कभी भी किसी भी चीज़ के बारे में सोचता हूँ तो वो मुझे अपने मोबाइल के अंदर कहीं ना कहीं पर ज़रूर शो हो जाती है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो प्लीज़ आप हमें एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। भाई लोग आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे इतनी क्रेटों को ओपन कर चुका हूँ लेकिन मुझे कोई भी आइटम नहीं मिला है। सच में भाई लोग मैं आपसे सच कह रहा हूँ, जब मैंने कभी भी क्रेट ओपनिंग के टाइम ये सोचा कि आज तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा तो मुझे उस टाइम पे आइटम मिल जाता है और जब मैं सोचता हूँ कि मुझे कोई आइटम मिल जाए तो मुझे वो आइटम नहीं मिलता है। मेरे साथ सच में भाई लोग हमेशा ऐसा ही होता है। आप लोगों ने देखा मैंने शुरुआत में कहा कि मुझे इसके अंदर से MG3 चाहिए तो मुझे इसके अंदर से अब तक MG3 की स्किन नहीं मिली है। मुझे इसके अंदर से बहुत से आइटम मिल चुके हैं लेकिन मुझे अब तक इसके अंदर से कोई भी गन नहीं मिली है। भाई लोग मैं आपसे जो कह रहा हूँ ये रियलिटी है। अगर आप लोग सोचते हैं और आपके सामने वो चीज़ आ जाती है तो आप लोग समझ जाइए आपका डिवाइस आपके माइंड के साथ कनेक्ट है। भाई लोग कुछ टाइम बाद ऐसा होने वाला है कि आप लोग बस सोचेंगे और आपको आपके मोबाइल में वो चीज़ें दिखने लगेंगी। सच में भाई लोग आप लोग भरोसा कीजिए कुछ टाइम बाद ऐसा भी होगा। भाई लोग बातों बातों में मेरी यहाँ पे सभी क्रेटें खत्म होने वाली हैं, मेरे पास मात्र 1-2 क्रेटें बची हैं तो मैं यहाँ पे अपने अब पोसाइडन एक्सूट को ही यूज कर लेता हूँ।
क्योंकि भाई लोग हमें यहाँ पे मात्र हमारी सारा का ही थोड़ा सहारा था और सारे करेक्टर तो हमारे सच में किसी भी काम के नहीं है। बस मुझे मेरी सारा ने दो तीन मिथिक आइटम दिला दिए हैं, लेकिन भाई लोग अब मैं यहाँ पे पोसाइडन का भी थोड़ा यूज कर लेता हूँ, क्योंकि अब मुझे अगर कुछ मिलता है तो ठीक है, वरना छोड़ो अब मैं क्या कहूँ। मुझे तो इसके अंदर से मात्र मिनी मटेरियल पे मिनी मटेरियल मिले जा रहे हैं। भाई लोग मुझे इसके अंदर से अब तक लगभग 7 या 8 मिनी मटेरियल मिल चुके होंगे, जिसका हमें कोई भी फायदा नहीं है। भाई लोग आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे सारे वाउचर खत्म हो चुके हैं, अब मेरे पास मात्र 10 और 20 यूसी के वाउचर बचे हैं, तो मैं तो इनका बिल्कुल भी यूज नहीं करूँगा। भाई लोग चलिए मैं यहाँ पे अल्टीमेट सेट के अंदर भी एक क्रेट को ओपन कर देता हूँ, क्योंकि इस अल्टीमेट के अंदर मैंने कोई भी क्रेट को ओपन नहीं किया है। आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक क्रेट को ओपन किया और मुझे इसके अंदर कचरा मिला है। सच में भाई लोग मैं इसीलिए कभी भी ऐसी घटिया क्रेटों के अंदर क्रेट ओपनिंग नहीं करता हूँ। मुझे कभी भी इसके अंदर से कोई भी ढंग के आइटम नहीं मिलते हैं, इसीलिए मैं ऐसी जगहों पर यूसी को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करता हूँ। भाई लोग आप देख सकते हैं मैंने एक्सूट के अंदर यहाँ पे 76 क्रेट को ओपन कर दिया है और मैंने MG3 के अंदर 12 क्रेट को ओपन किया है। इस तरीके से मैंने टोटल एक्सूट वाली क्रेट के अंदर 88 क्रेट को ओपन किया है और भाई लोग मेरा 88 क्रेट के अंदर 165% लक कम्प्लीट हो चुका है। मुझे इसके अंदर मात्र 300% लक को कंप्लीट करना है, जो मेरा 800-900 यूसी में बड़ी आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। भाई लोग अगर आप लोग भी कम यूसी में एक्सूट को निकालना चाहते हैं तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको हमेशा अपने चैनल पर कम यूसी में क्रेट ओपनिंग की टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो बताता रहता हूँ। भाई लोग आपको हमारे चैनल पर इसका पार्ट 3 भी देखने को मिलने वाला है। भाई लोग आप देख सकते हैं मुझे एक्सूट वाली क्रेट के अंदर ऑलमोस्ट सभी आइटम मिल चुके हैं। मुझे इसके अंदर से क्रोबार की स्किन, MG3 की स्किन, मिथिक इमोट और एक मिथिक सेट नहीं मिला है। मुझे इसके अंदर से भाई लोग मात्र 4 आइटम नहीं मिले हैं, उसके अलावा मुझे इसमें से सभी आइटम मिल चुके हैं। भाई लोग इसका पार्ट 3 भी आने वाला है, जिसके अंदर हम इसके बाकी के आइटम को भी निकालने वाले हैं। तो भाई लोग आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपकी एक लाइक से और एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। भाई लोग मेरे चैनल पर 800 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं, तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपके किसी भी फ्रेंड को भी कम यूसी में एक्सूट निकालना है तो आप अपने फ्रेंड के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि भाई लोग मैं हमेशा कम यूसी में एक्सूट को निकालने के बारे में बताता हूँ। तो भाई लोग अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू गाइज़।